डंडा पकड़ के जनाब ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो ठीक किया जा रहा है। सर डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है? ये जिस तरीके से आप मार रहे थे डंडे लोगों के सर पे भी लग सकते थे, क्या सीटीओ साहब इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप हाथ में डंडा पकड़े उस डंडे से आप लोगों को लाठी चार्ज करें? ये तो गाली ही निकालते हैं, आप गालियां निकाल ऐलान भी करते हैं और ऊपर से गालियां भी इतनी ठुड्डे मार देने जाते सानू। इन्हों कही ना कहते हैं अभी पढ़िया लिखा अदारा वा तो पढ़े लिखे जहल हो लत्थी चढ़ी नहीं गा उन्होंने सिर्फ पता कि अभी वर्दी पाई है साडा कोई कुछ नहीं कर सकता। डंडा की है गाला भी कटते हैं मुक्के भी मारते हैं डंडे भी मारते हैं सारे काम ही करते हैं ये छड़ते ही कोई शायद नहीं है। हम रोज ही कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इधर आते डंडा मारते कई बार शीशे तोड़ दिए, ये देखो छतों का हाल, यानी कन तो फड़ लिया गिरेवान फड़ लिया ठुड्डे मार दिते, यानी थोड़ी कोई इज्जत नहीं यार असीं तो मजदूरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। ये हमारे ट्रैफिक वार्डन वाले भाई हैं लेकिन डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में, ये देखे जरा डंडा पकड़ के जनाब ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो ठीक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ये मुआफ़िज़ हैं हमारे काबिल एहतराम हैं सर, छोटा सा एक सवाल करना था आपसे सर। आप मुआफ़िज़ हैं हमारे सर, बात सिर्फ करनी थी आपसे सर, डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है सर? डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है? हाथ में डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है सर? आप मुआफ़िज़ हैं हमारे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि हाथ में डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है? इनक्रोचमेंट के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, नजायज़ तजावुजात हैं बहुत सारी ज़्यादा, लेकिन इसको कौन ख़त्म करेगा? ये नजायज़ तजावुजात भी हैं सर, ये डंडा बता दें ना पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है? ये जिस तरीके से आप मार रहे थे डंडे लोगों के सर पे भी लग सकते थे सर, जवाब दे दें आप, मुआफ़िज़ हैं हमारे, हमारे लिए आप काबिल एहतराम हैं, सिर्फ छोटी सी बात करनी है आपसे चले जाएंगे हम? ये नजायज़ तजावुजात जो हैं इनके यहाँ पर हम बाहर हैं सर जी, बात सुन ले सर, आप मुआफ़िज़ हैं हमारे, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं सर, बात सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब दे दें, डंडा पकड़ के ड्यूटी की जा सकती है? ये देखें जी, ये हमारे मुआफ़िज़ हैं जनाब और ट्रैफिक वार्डन अहलकार हैं, लेकिन ये हाथ में डंडा देख ले मौला बख्श की तरह उन्होंने डंडा उठाया हुआ है और ये जनाब लोगों को मार रहे हैं, वो देखिए हाथ में डंडा है लेकिन ये अभी डंडे मार रहे थे वहाँ पर, लेकिन ये लम्हा फिक्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, लेकिन ये लम्हा फिक्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी हाथ में डंडा है वो आप देख सकते हैं और ये मौला बख्श बने हुए तभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इनसे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जवाब नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये लम्हा फिक्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी टी ओ साहब आप इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि ये डंडा पकड़ के हमारे मुआफ़िज़ जो हैं लोगों पर डंडे बरसाएँ। तो ये डंडा पकड़ा हुआ था इन्होंने जनाब, लेकिन बात करने से कासिर हैं, बात नहीं कर रहे, की वजह ये है कि इनके हाथ में डंडा है और डंडे से जो है लोगों को मार रहे थे, अभी रिक्शे वालों को मार रहे थे, लेकिन हम सिर्फ इनसे सवाल कर रहे थे, सवाल करना हमारा बुनियादी हक है और हम सिर्फ इनसे सवाल कर रहे थे, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, सिर्फ मैंने इनसे सवाल किया कि जनाब आप मुझे ये बता दें कि आपके हाथ में डंडा है और आप उस डंडे से लोगों को मार रहे हैं, क्या सी टी ओ साहब इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप हाथ में डंडा पकड़ें उस डंडे से आप लोगों को लाठी चार्ज करें? ट्रैफिक वार्डन का तो काम जो है वो ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखना है, कि बजाय आप डंडा पकड़ें और डंडे से आप मौला बख्श बन जाएं और उस मौले बख्श से आप डंडा पकड़ के लोगों पर तशद्दुद करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल था, लेकिन वो हमारे मुआफ़िस चले गए हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। ये तो गाली ही निकालते आप, गालियाँ निकाल ऐलान भी करते हैं और ऊपर से गालियाँ भी इतनी ठुड्डे मार देने जाते सानू, तारा तोड़ देने होंगे हैं वाले कर देने। हाँ जी बिल्कुल, नहीं होना चाहिए मुआफ़िज़ ने साढ़े, देखो जी ये तो इन्हों सोचना चाहिए, इन्हों कही ना तो कहते हैं अभी पढ़िया लिखा अदारा वा तो पढ़े लिखे जहल हो समझ गए मेरी गल कि इन्होंने ना लत्थी चढ़ी का नहीं गा उन्होंने सिर्फ पता कि अभी वर्दी पाई है साडा कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इन्नी जी गल। तो ये हालात हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वो डंडा फाड़ के ट्रैफिक वार्डन वाले जनाब मारी जा रहे हैं सर जी, ये तो फराउन बने ने तो छड़ दे कोई चीज नहीं, मार देने गाला कट देने ठीक है, आज संगण ने आने 220 का चलान करके देते हैं हाथे च फड़ाता है डंडा फड़ना ते है डंडा की है गाला भी कट देने मुक्के भी मार देने डंडे भी मार देने सारे काम ही करते हैं, ये छड़ दे कोई शायद नहीं है जी।
तो ये हालात हैं जी। आए मजीद आगे भी जो है ना, आपको आगे की भी सूरत हाल दिखाते हैं। और ये भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? डंडा पकड़ा हुआ था, डंडा पकड़ के मार रहे हैं लोगों को ट्रैफिक वार्डन वाले। हम रोजी कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इधर आते डंडा मारते, कई बार शीशे तोड़ दिए। ये देखो छतों का हाल, पैसे देने हमारे लगते, इनके नहीं लगते। हराम खाने का बस इनको पता है, चलान का गल करिए ना। सब तो पहले दुकान से यह गल होंगी कि थोड़े से परचा करावे, यानी कान तो फड़ लिया, गिरेवान फड़ लिया, ठुडे मार दिते, यानी थोड़ी कोई इज्जत नहीं यार। अभी तो मजदूरी कर रहे हैं, तार तोड़ दी। हाँ जी, तार तोड़ी है, ये देखें केबल, तार तोड़ दी। ये नहीं, सारी 1500 रुपए की है। मैंने आपको बताया नहीं, शराब पी हुई थी उसने वार्डन वाले ने, तो मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं वो गालियां दे रहा था। अभी शराब पी के गालियां दे रहा था। तो क्या ये तो इनका हाल है, ये हमारी हुकूमत है, ये अदारे हैं, गवर्नमेंट अदारे। ये हालात है, मजीद आगे भी चलते हैं और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो रवैया है ट्रैफिक वार्डन वालों का इनके साथ, और मजीद और भी लोगों से कोशिश करेंगे कि बात करने की। लेकिन वो ट्रैफिक वार्डन वाले भाई जो हैं वो यहाँ से जनाब आगे निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये लम्हा फिक्री है, तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन सी टी ओ साहब से मेरी मौत बना गुजारिश है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन खुदारा जो हमारे मुहाफिज़ हैं, ट्रैफिक वार्डन अहलकार हैं, उनको ये थोड़ा सा समझाएं कि जो डंडा पकड़ के लोगों पे तशद्दुद करते हैं, लोगों पे डंडे मारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक वार्डन एक बहुत अच्छा अदारा है और ये बहुत कॉम्पिटेंट जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों पे जो डंडे बरसाए जा रहे हैं, ये लम्हा फिक्री है। तो इस पर सीडीओ साहब आपको एक्शन भी लेना चाहिए और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस अदारे को एक ये वो जवान है जो ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, लेकिन हमें ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। सवाल हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि हाथ में आप डंडा पकड़ के मौला बख्श बने हुए हैं और आप लोगों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नंदी ये वीडियो तो आपको दिखाना बहुत ही जरूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।